गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 2 दिसंबर, तो आज है ऋतिक का एनुअल डे। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ मेयो सैंडविच। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, मैंने फाइन चॉप कर लिया है, कैरेट, स्वीट कॉर्न को मैंने ना बॉयल करके लिया है, कुकुम्बर, और यहाँ पे टमाटर और शिमला मिर्च को ना सब कुछ मैंने चॉप कर लिया है। ओके, और यहाँ पे ना मैं ब्रेड की जो स्लाइसेस के साइड्स है ना उसको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि ना ये खाने में ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सब कुछ ना मैंने वो निकाल दिया है, और ये जो ब्रेड है ना, ये सैंडविच ब्रेड है, थोड़े बड़े साइज़ के ब्रेड है, तो सारे ना मैंने इसके साइड्स जो है ना निकाल दिया है। मेयो सैंडविच ना ऋतिक का ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे भी बहुत ही पसंद है। तो अब इसमें ना कुछ चीज़ें हमें ऐड करना है। तो पहले इसमें डालते हैं टोमेटो केचप, नमक डालते हैं स्वादानुसार, थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसमें डालते हैं, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल सकते हैं, और अब इसमें डालते हैं ढेर सारा मेयो। तो ये मेयो सैंडविच है, मेयस तो डालना बनता ही है। ओके, अब इन सारी चीज़ों को ना हमें अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा ना मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, कि आज ना ऋतिक पापा का इवेंट है मड़गांव में। ऋतिक पापा ने बोला था कि ये थोड़ा सैंडविच पैक करके देने के लिए, तो उनके साथ ना 5-6 लोग हैं वहाँ पे इवेंट पे। तो इतनी जल्दी रेस्टोरेंट ना सुबह ओपन भी नहीं होते हैं, और ऋतिक पापा ना आज सुबह ना 6 बजे निकले हैं। तो उसने बोला था कि थोड़े बहुत सैंडविच ज़्यादा बनाओ तो सब लोग खा लेंगे। तो मैंने ना सारे सैंडविच को ना अच्छे से फ्राई करके, बटर लगा के उसको मैं अच्छे से फ्राई करके ना पैक करके दिया है। मेयो सैंडविच को ना आप ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर बटर लगा के इस तरह से फ्राई करके भी खा सकते हैं। पर मुझे ना फ्राई किया हुआ सैंडविच ना बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसमें ना एक क्रिस्पीनेस आ जाती है, और खाने में ना बहुत टेस्ट लगता है। इस तरह से ना हमें दोनों साइड बढ़िया सा ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राई करना है, और उसके बाद इसे इस तरह से कट करना है ट्राइंगल में, और उसको कट करके ना मैंने डब्बे में भर के ऋतिक पापा को दे दिया है। और थोड़े बहुत सैंडविच जो है ना मैं बाद में गर्म करूँगी। फिलहाल ना अभी 6 बज चुके थे, तो ऋतिक पापा चले गए थे, और मैं यहाँ पे पी रही हूँ गर्म पानी, और मेरी नींद जो है ना पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत नींद थी मेरी आँखों में। तो गर्म पानी पीने के बाद ना एक अलग सा रिफ्रेश हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने ऋतिक को उठा दिया है, और आज उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो ऑलमोस्ट और लेट हो चुके थे हम लोग। तो ऋतिक को मैंने बोला जल्दी जल्दी फटाफट फ्रेश हो जाओ, और वो तो खाने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, माँ का खावे मंटा। तो मैंने उसको एक सैंडविच खिलाया है, और स्कूल में बोला था कि बच्चों को आज स्टमक भर के खाना, मुझे ब्रेकफास्ट खिला के लाना है। तो सुबह तो बच्चे ना हैवी ब्रेकफास्ट करते भी नहीं हैं, तो थोड़े बहुत उसने आज खा लिया है। तो मम्मी ना यहाँ पे रेडी हो चुकी है, तो ब्रेकफास्ट करके ना मैं रेडी हो जाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम्हें? तो ना अभी जस्ट रेडी हो चुके हैं, और टाइम भी हो चुका है। एक्चुअली हमारा प्लान था 7:50 को निकलने के लिए, अभी यहाँ पे ना 7:25 हुआ है। कामों सपना है, सुबह जल्दी उठने के बाद भी ना देखे बहुत लेट हो चुके हैं, और 1 घंटे का सफ़र है। तो इनका जो एनुअल डे है ना, वो साकली में है, साकली रविंद्र भवन में। ओके, तो अभी हमें वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, और 8:15 को उनको वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है, 8:15 को। देखते हैं अभी। ओके, चल यार मिला ले। तो टिफिन में मैंने थोड़े सैंडविच, पानी का बॉटल, बस इतना ही लिया है, और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया हमारा। ऋतिक ने भी किया, एक सैंडविच खाता है, पर इतना जल्दी सुबह ना खाना भी नहीं होता है। और स्कूल वालों ने बोला है कि बच्चों को पेट भर के खिला के आ जाओ, तो वैसा नहीं होता है ना, वो बच्चे लोग खाते भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत सैंडविच लिया है, और वो लोग वहाँ पे देंगे कुछ स्नैक्स वगैरह। ओके, तो जस्ट निकलते हैं अभी, और ऋतिक पापा सुबह 6 बजे निकले। ओके चल। ओके, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, जस्ट निकलते हैं। ये रहा ऋतिक का आज का कॉस्ट्यूम, ये ना स्कूल ने दिया है मुझे, स्कूल ने प्रोवाइड किया है, कुछ अमाउंट पे किया है। गलसा साड़ी खोए नहीं। ओके, तो ये है उसका आउटफिट, वाइट कलर। गे बैग गर्ल, उसमें पानी का बॉटल है, थकेगा। हाँ, मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत सैंडविच लिया है, पानी का बॉटल, और ये है ना इनविटेशन कार्ड है, ये उनको दिखाना है, नहीं तो नो एंट्री। चलियो, बाल को ना मैंने ठीक से कोम भी नहीं किया है, टाइम उसना। चल, हाँ शूज वाला अपना येलो कलर का। ओके, जस्ट निकलते हैं। ऋषांग, ऋषांग का दाणो असा अनु रे, ऋतिक का दाणो ना। ऋषांग हाय मन, ऋषांग हाय मन रे। हाँ भाई, सोनिया इले, सोनिया आमका आपोपा को इले वोर, आमच्या हंगा जायन जायना तयारी। ओके,
काढून पडता आम्ही आम्ही मस्त पुढे बसूया चहा पिलो आणि सँडविच आणला आम्ही खातलो मरे कुरकुरे मारतले एक सँडविच खा एकूच एकूच खाऊन पोहे बरे केला आम्ही तो वो है सोनिया की मम्मी ये रहा गाडी सगळ्यांना गाई अंका पाईप तुम्ही कोण काढणार का तो जस्ट हम पहुंच गए हैं और 8:15 को रिपोर्टिंग टाइम था तो अभी ना 8:30 हो चुके हैं के मशी पावली खूब पैसा अर्धी जेम काढली गाड़ी इतनी नींद आ रही थी ना सुबह जल्दी उठे ना गाड़ी में इतनी नींद आ रही थी कहना पौधा हंसा पावली तो ये है रविंद्र भवन साकड़ी फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं साकड़ी काफी बड़ा हॉल है मेरे वाले आनी बसली आम्ही मेळी आमका सीट एक्चुअली नी खंय बसूंक मेळना अमके अमके बरेला फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड थंय वचून बसपाचे हांव चिंतलेले बरे वचून फुडें वचून बसया म्हणून हय हांगा आयचेलें हांवें एका तो सेकंड स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे है बैठने के लिए अलग अलग है फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड अलग अलग है ओके अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों को वहाँ पे छोड़ दिया है टीचर के पास दिल्ली टीचर की मैं ओके सनी आवड़े सैंडविच घर साखड़े पावता मटे परत भूक लगे खाले एक एक सैंडविच अजू स्टार्ट जाऊँ ना प्रोग्राम पहले पेट पूजा करें मटले तिमी दोगा थे बसला Hi, Mon. Teacher Chai, welcome you all on behalf of Nyan Vikas School and family. Welcome our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Friends, Vemogar Bhavani Bhandanu. सगळ्यात पहिल्यात पहिली साखळेतल्या या रवींद्र भवनात परवरीच्या हायस्कुलातल्या गॅदरिंग जाता तुमच्या सगळ्यांचे हावही स्वागत करता थोड्या जण पहिलेच पोहोचे आले असतात
देवलांग वेलकम आमी इगोजे वेलकम आमी एकाम नेकाक मेउन आमी कोकणी उलो हो जाएगा। तो यहीं पर ना दो बज चुके हैं, तो खाना खा के हम लोग रहेंगे, देखते रास्ते में कई रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। ओके, तो सारे जो परफॉर्मेंस है ना मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके लिए ना मैंने थोड़ा थोड़ा एक क्लिप लिया है, बस ऋत्विका और सांजा और बोंदेरा, बस यही मैंने शूट किया है। रविंद्र भवन हॉल है ना, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए, बड़े आसानी काफ़ी बड़ा है, चल बरे वाले आनी ऋषांक, तू दाणो खाय रे ऋषांक? अरे हाँ पे रे दाणो खाय रे, दोनों टायर्ड हो गए आता घर तो बरे नितले कड़क बहुत सद्या में घर आता नहीं भाई सन्ना ठीक है कड़क बहुत क्या मिलेगा पोहे की तो अब हम आए हैं खाना खाने। खंचा ऑर्डर है आदर्श दुकान पावली भी तो ऋतु का नहीं ऋषांग वाह बरे आनी बरे आनी पोहे ना का सतलू आदर्श आदर्श आईस काय बरे इल्ले बाहेर आम्ही आज शनिवार नॉनव्हेज ना व्हेज प्याज तो खाना खाके ना वहां से आके ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। खाना खाके वहाँ तो वहाँ से आते ना हमें चार बज गए, चारा घर पौले हमें, और आके ना हम लोग सो गए थे, इतने टायर्ड हुए थे ना क्या बताऊँ, जस्ट अभी उठे हैं। माता उठ लो, हाय मनसुरा हाय। ओके, और पता नहीं वीडियो कैसा आया इसके डांस का, क्योंकि ना हम लोग जहाँ बैठे थे ना उतना पीछे था, मतलब उतना आगे नहीं बैठे थे, और उन लोगों ने ऑलरेडी अरेंजमेंट करके रखा था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के पेरेंट्स कहाँ बैठेंगे, सेकंड स्टैंडर्ड के पेरेंट्स कहाँ बैठेंगे, इस तरह से उन लोगों ने अरेंजमेंट किया था। तो ये ऋतिक तो अभी सेकेंड स्टैंडर्ड में है, उसको ना उनका ना पीछे किया था मुझे बैठने के लिए अरेंजमेंट, तो इस बार हम लोग बहुत पीछे बैठे थे, तो वीडियो ना उतना क्लियर नहीं आया है, क्योंकि मैंने जूम करके वो शूट किया था। इसके पापा को मैंने एक वीडियो भेजा था इसके डांस का, वो बोल रहे हैं कि कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, तो पता नहीं कैसा आया वीडियो। ओके, और इतना दूर है ना, एक घंटे का सफ़र है, सबके टायर्ड डाले थे, वो सब मतलब नाकस डाले कह रहे घर आ पाओ था नित्ता डाला हमका, ये लोग तो बहुत ही टायर्ड हुए थे, सारे बच्चे लोग टायर्ड हुए थे। तो एक्चुअली प्लान नहीं था बाहर खाने का, तो घर पौता पौता मतलब चार तत् ले, उससे अच्छा है कि बाहर कुछ खा के आते हैं, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, हम लोग खाना खा के आ गए। बहुत अच्छे से थीम रखा था इस बार, गोमंथ का था, मतलब थीम रखा था, बहुत ही अच्छा था, पर सारे मैंने शूट नहीं किया है, नहीं तो ना वीडियो जो है ना बहुत ही लंबा हो जाएगा, उतना क्लियर भी नहीं आ रहा था, और लाइट मुझे उतना कुछ अरेंजमेंट ना उतना मुझे ठीक नहीं लगा, मतलब ब्राइटनेस हमके नसलेले, मुझे वीडियो समके काड़ो करता रहे। ओके, और अच्छा थीम था, तो थोड़े थोड़े बहुत मैंने शूट किया है, मतलब बोंदेराम सांजा वो सब कुछ मैंने ना शूट किया है, और दिंडी बिंडी असलेले दिंडी बीन टाइम शूट करूँ ना वीडियो नहीं सबके वाले आता,
अच्छा था पर सिर्फ इतना बुरा लग रहा है कि बहुत ही दूर था वो आने जाने के लिए ना, मतलब इतने टायर्ड हुए थे क्या बताऊँ, मुझे लागी भी असला नहीं है। एक्चुअली कलाकृति में ना बहुत ही अच्छा है सबके स्पेस बरे असा। आता मैं गेली पे एन्युअल डे हंगा रविंद्र भवनान थी सबके स्पेशल स्पेस बरा असा जगह वो आ पर उन लोगों ने फर्स्ट टाइम आता इतने हमें एन्युअल डे पहला कि अच्छा अरेंजमेंट करना कि यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड बच्चे के पेरेंट्स बैठेंगे, वहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे के पेरेंट्स बैठेंगे, ऐसा नहीं। ये मैंने पहली बार देखा है तो मशे हमें फाटी पड़ ले तो वीडियो मशे क्लियर हो ना, और मम्मी को पता भी नहीं है ऋतु कहाँ पे है मम्मी सत्ता ऋतु है ऐसा कर मुझे कुछ पता भी नहीं लग रहा है, इतने बारे बारे दिस्त फाटी बस लेनी आम्मी मगा बागी दिसलो ऋतु रे। ओके तो हो गया उनका एनुअल डे और ऋतु पर आज नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको बोला वो इवेंट पे है मड़गांव, और अब बच्चों के साथ तो वहाँ से आते चार बज गए मुझे नींद लिया आम्मी, जैसे अभी 6 बजे ऐसे उठे हम लोग थोड़े फ्रेश होके बैठे हैं। ओके तो हनी के मंडा थे एंजॉय क्या था वाज था कि खिलाऊंग जाए वहाँ पे नाच रहा था दोनों वो और रुशांग, तो जब दोनों रुशांग और ऋत्वी एक साथ होते हैं ना तो पूछो मत दोनों की मस्ती, तो ऐका मारता तो तेका मारता धावता पैना रस्ते बिस्तर वो आमच कमीच ना पैना रस्ते बिस्तर गाड़ी भी येता फाटने की येता पैना लागले धावपा दोगा जाना, दोनों को ना अकेला छोड़ना मतलब ना बहुत ही रिस्की है शाम के धावत रहता अब अभ्यास किया मेरे कल से उसकी पढ़ाई स्टार्ट, अभी एनुअल डे हो गया है एनुअल डे हो गया है अब इसकी पढ़ाई स्टार्ट वाले। ओके अरे खराब था तो अभ्यास किया खाजे 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 खा। ओके तो पता नहीं है आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, डांस का जो फर्स्ट है ना राखणदार फर्स्ट वीडियो वो इसका था डांस। ओके इसका था और ऋषभ भी उसमें था दोनों का एक था। ओके अच्छा था तो अभी ना मैं बस एक दो तीन कमेंट पढ़ूंगी ठीक है। सेलिसिया फर्नांडिस माउथ ऑर्डर रेसिपी हमारे सासो उस पर उसने कमेंट किया तो कल लिस्ता आ रहा। नेक्स्ट है मर्लिन अकारा मर्लिन विच चिलीज डिड यू यूज लाइक द कलर ऑफ योर करी, चिलीज ना हम लोग बिड़गी चिली डालते हैं नहीं गई हाँ बिड़गी बिड़गी मिर्ची। ओके नेक्स्ट है नीना नाइक माड़ी फ्राय एंड आमाड़े सासो सामके माउथ वॉटरिंग जाया ऋत्वीक शाणिया जोपाक जाए स्ट्रांग जातलो पहला मरे उरले माड़ी प्रॉन्स और तिसरे घालून मोगे सारके भाजी कर सुपर जाता बरे दिसले तुवें कमेंट वाचता बरे दिसले तुवें कमेंट वाचतकी हय थोड़े उरला माड़ी की करता पोया आइसक्रीम करया खंय खातलो तू नींबू सरबत कर अरे प्रॉन्स घालून भी करता पोया मम्मी की करता पोया तो फाला संडे नी पोया की कर पाजे। प्रिया सावन आपके व्लॉग के वजह से रोज गोवा जाते हैं हम थैंक यू थैंक यू। हाँ जानवी मुदालिया नाइस व्लॉग और एक भेजा है प्रिया सावंत ने दोनों रेसिपी बहुत अच्छी है आपकी बालकनी बहुत अच्छी दिखती है पौधे अच्छे से ग्रो हुए हैं ऋतु का हाय फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है बोलता उसका वही काम है हाय और बाय। नेक्स्ट है ज्योति डियर तुवें ती माती कित्याक उडयली दुसरे खंयचे प्लांट लावपाक मेळटा आसलेले ते माती मातशे घट आसलेले आनी बरें नासलेले ते आनी माती खूब आसा आमगेर पयलें बरें नर्सरीसून हाडलो हांवें माती आनी हे माती आसले पळय मातशे घट जाय पिची आसलेले आनी मातशे घट आसलेले सो उडयली आमी व्हडली माती भरला भितर। नेक्स्ट है स्फूर्ती पांद्रेकर ऑल रेसिपीज आर गूड थँक्यू फ्रेंड। और एक नया है ओके राहुल वॉचिंग एंड एन्जॉइंग युअर व्हिडिओज डेली विथ फॅमिली युअर दिवाळी व्हिडिओज वर व्हेरी मच लाईक्ड बाय अवर फॅमिली मेंबर्स माय वाईफ लता लाईक्स ऑल युअर व्हिडिओज हाय लता हाय लता ए नाव रापेदा एंड शी सजेस्ट यू टू वेअर चंद्रबिंदी हट्टा चंद्रबिंदी लायता युअर हजबंड लुक्स लाईक अ जेंटलमॅन इन कुर्ता इन अ दिवाळी लॉग। ओके थँक्यू हां राहुल एंड लता ये न्यू है इसके लिए मैंने पढ़ा है कि बस आज इतना ही पढ़ाऊंगी मैं कमेंट पढ़ने की स्थिति में नहीं हूँ मैं तकलीफ समझ जरूर जाना। ओके तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर बाय पप्पी जी।
थैंक यू चलो बाय।